कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, ये कैसे हो सकता है जब पुलिस पहले ही जांच कर रही थी और जो क्राइम सीन होता है उससे एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन में भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, बावजूद इसके सीबीआई की टीम आई नहीं, और ये सब रेनोवेशन का काम किसके इशारे या किसके कहने या किसके आदेश पर शुरू हुआ? देखिए, अब दो बातें हैं रवि, सीबीआई की टीम आई या नहीं आई वो अलग बात है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जारी है तब तक कम से कम एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। खास करके जो प्लेस ऑफ अकरेंस है वो तो वही जगह है जिसके बारे में बताया जा रहा है। अगर कोलकाता पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो एटलीस्ट उस स्थान को या उसके आसपास के जगह को तोड़े जाने से पहले चार बार सोचा जाना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉरेंसिक एविडेंस वहाँ पे इन्वॉल्व था। यही वजह है कि कल जितने भी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और सब लोगों ने मिलकर इस बात को लेकर प्रोटेस्ट जारी किया कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, और यह इशारा करता है कि एक तरीके से ये लापरवाही है। दूसरी बात, एक और मैं बड़ी बात कहना चाहूँगा, एक अस्पताल में एक ईंट लगाना या एक ईंट तोड़ना, खास करके सरकारी अस्पताल में, कितना मुश्किल काम होता है ये बात आप भी आसानी से समझ सकते हैं। खास करके उस जगह पे जहाँ प्लेस ऑफ अकरेंस हुआ है, वहाँ ऐसी क्या आनन फानन में नौबत आ गई जिसकी वजह से तोड़फोड़ करनी पड़ी, ये कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है। शायद यही वजह है कि कल से लेकर अब तक पूरे मामले पर बवाल खड़ा हुआ पड़ा हुआ है। रवि जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कुमार कुंदन बता रहे हैं कि सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंच चुकी है, सबसे पहले इस पूरे मामले से जुड़े हुए दस्तावेज का हैंडओवर लेगी कोलकाता पुलिस से, इससे जुड़े हुए सबूतों का हैंडओवर लेगी और फिर इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन इस सब के बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विशेषज्ञ अब ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के विवरण से पता चलता है कि बलात्कार सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया, इसकी पूरी आशंका है कि यह गैंगरेप हो सकता है। क्या लगता है ये रिपोर्ट से आपको, क्या ये कहीं पे गैंगरेप का घटना है? देखिए, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो आया है, बट मैं और मेरे ख्याल से किसी को फाइनल रिपोर्ट का अभी तक पता नहीं है। तो एक हाथ से लिखा हुआ रिपोर्ट मेरे पास आया है, आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारे दर्शक लोगों ने भी देखा होगा। द रिपोर्ट पॉइंट्स आउट मल्टीपल इंजरीज, बहुत सारी इंजरीज हैं ऊपर से नीचे तक, ठोस सबूत के साथ ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आया है। मगर हम लोग ये जो रिपोर्ट हमारे पास है उसके बेसिस पे जाएं तो लगता है कि ये कितना भी शक्तिशाली हो मगर एक आदमी के लिए या पूरी तरह करना बहुत मुश्किल है। लगता है कि एक से दो या तीन लोग होने की संभावना है। तो इस पूरे मामले में कई सवाल हैं इस वक्त जिनका उत्तर आना अभी बाकी है।